नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे नए चैनल जिसका नाम है ब्रेन लाइट। तो ये पहली वीडियो रहेगी जो कि मेरे दिल के काफ़ी करीब भी रहेगी। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपकी वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो जो मेरा दूसरा चैनल है वो है ब्लेसिंग स्टडी पॉइंट। तो जितना प्यार आपने उस चैनल को दिया है, मैं चाहता हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार आप इस चैनल को दें। और जो ये पहली वीडियो जो मेरी है, तो ये वीडियो भी काफ़ी नज़दीक रहेगी, मेरे दिल के काफ़ी नज़दीक रहेगी, क्योंकि इसमें मैं जो डालने जा रहा हूँ, जो वीडियो डालने जा रहा हूँ, वो काफ़ी एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी भर मुझे याद रहने वाली है। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो को आप प्यार दें। वैसे मेरी मिसिज बोल रही थी कि आप थोड़े से साफ सुंदर से कपड़े पहनकर पहला व्लॉग बनाना, लेकिन मैं इन चीज़ों से थोड़ा सा परे हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि साफ सुंदर कपड़े पहनकर आप वीडियो बनाएं तो आपकी वीडियो वायरल हो जाए। तो अगर वीडियो वायरल होनी है तो वैसे भी हो जाएगी। तो मैं शुरू करता हूँ और पहली वीडियो आपके आगे है। ये पहले दिन की वीडियो है जिसमें बच्चे की धड़कन हमें सुनाई नहीं दी। ये डोपलर के अंदर कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आई धड़कन की, तो काफ़ी सीरियस ये माहौल था। मैडम भी काफ़ी सीरियस थी, मैं भी ज़्यादा सीरियस था। तो काफ़ी देर तक डॉक्टर साहब ने ये प्रयास भी किया कि कहीं ना कहीं धड़कन दिखे, तो बच्चे की धड़कन ही नहीं मिल रही थी। फिर हम घर पे आ गए और घर पे आने के बाद हमें नींद नहीं आई पूरी रात। फिर हम अगले दिन दोबारा डॉक्टर के पास गए और हमने कहा कि एक बार फिर चेक करें। तो उन्होंने चेक किया तो फाइनली ये बच्चे की धड़कने इसमें आ गई डोपलर के अंदर। अब माँ और बच्चे दोनों ठीक है, और मैं दुआ करता हूँ और आप सबकी दुआ की भी ज़रूरत है कि बच्चे और माँ को ठीक ठाक रखे। तो चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सह कुशल हो जाए वही काफ़ी रहता है। इस व्लॉग में इतना ही, और ये पहला व्लॉग था, हो सकता है काफ़ी खामियां रहे, तो माफ़ी भी चाहूँगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मैं आपका रिप्लाई भी चाहता हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।